Hello students, I hope you all are doing well during this quarantine vacation, and now as your 10th results are out, so you must have decided what field you should be getting into. Okay, so this video is obviously for the commerce students or students who have opted for the option commerce. Commerce में आपका अब एक subject आता है named as economics, या फिर आप if I need to be very specific then introductory to microeconomics, जिसमें क्या क्या आएगा उसका एक छोटा सा हम पूरे साल का एक बड़ा सा पिक्चर शुरू करें, उसके पहले एक छोटा सा ट्रेलर जैसा एक मैं ये वीडियो आपको बताने के लिए बना रही हूँ. ओके, सो अभी तक 10th तक आप लोगों ने जो पढ़ा था तो उसमें आपका एसएस का जो सब्जेक्ट था उसमें इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट पोर्शन रहता था, जिसमें आप यू मस्ट हैव लर्न्ड अबाउट समथिंग समवेयर अराउंड 3 to 4 चैप्टर्स और समथिंग, राइट. बट अभी तक आपने इकोनॉमिक्स एज अ होल सब्जेक्ट, जिसका बाकी के सब्जेक्ट जितना ही इक्वल इम्पोर्टेंस हो, वैसे आपने नहीं पढ़ा, राइट. सो नाउ फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स, उनके लिए इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ने वाला है डेफिनेटली. अब हम देखते हैं कि बेसिक इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं. यू मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, बट स्टिल आई वुड लाइक टू tell you the meaning of economics. Economics is what? Economics is basically utilizing the limited resources which we have and which has it multiple usages available, right? So हम सब economics को अपनी day-to-day routine life में ही apply करते आ रहे हैं, and we all knowingly or unknowingly apply the concepts of economics in our daily routine life, right? जिसमें हमारे पास जब कोई भी रिसोर्स अवेलेबल बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है और वो रिसोर्स के बहुत मल्टीपल यूजेस अवेलेबल होते हैं, तो वी नीड टू चूज कि हम लोगों को कौन से वाले ऑप्शन के साथ जाना है, बिकॉज वी कांट डू ऑल द ऑप्शंस एट द सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 50 रुपए है तो वो 50 रुपए से बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि 50 रुपए से आप चाहो तो वड़ा पाव खा सकते हो, चीज वड़ा पाव. 50 रुपए से आप चाहो तो कुछ जेरोक्स कॉपीज निकलवा सकते हो, या फिर 50 रुपए से आप चाहो टैंकियो में पेट्रोल डलवा सकते हो. तो आप अगर वो 50 रुपए जो आपके पास लिमिटेड है उसको यूज करके आप जो भी अपना काम करते हो, एक ही ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं, सो दैट वी कंसिडर एज इकोनॉमिक्स. ओके, अब टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू, इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड मेजरली इनटू टू मेन पार्ट्स, एंड दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम ज्यादा पढ़ने वाले या फिर जानने वाले हैं, मैक्रो अभी हम नहीं उसके ऊपर फोकस कर रहे, पहले हम लोग आज माइक्रो के बारे में जानेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो जब हम कोई एक यूनिट के बारे में या फिर कोई इंडिविजुअल चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो तब उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, और हम सेम चीज बट एज अ होल इंडस्ट्री स्टडी कर रहे हैं देन वी कंसिडर इट एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो अगेन जो मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पापा की स्टील की फैक्ट्री है तो सिर्फ हम वो एक फैक्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, सो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड मैक्रो क्या होता है कि जब स्टील की पूरी इंडस्ट्री, जिसमें आपके पापा के जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री का पार्ट है, तो अगर वो पूरी इंडस्ट्री का हम लोग स्टडी करते हैं तो दैट वी कंसिडर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. ओके, नाउ जस्ट फॉरगेट अबाउट द मैक्रो पार्ट, अब हम फोकस कहाँ करने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे जो पहला आपका जो चैप्टर है मेन, दैट इज इंट्रोडक्शन. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. ओके, अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, तो वो हम जानेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें. ऑब्वियसली हम कोई भी चीज नई शुरू करने जाते हैं तो उसका पहले एक बोलते हैं ना एक मैन्युअल होता है, जिसमें वो चीज के बारे में सब कुछ हमको बेसिक चीजें बताई होती है. सो दैट इज हाउ दिस चैप्टर वर्क्स, इंट्रोडक्शन, जहां पे विल बी नोइंग अबाउट सो मेनी डिफरेंट एंड एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट्स, लाइक इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि मिक्स इकोनॉमी हो गया एंड सो ऑन लाइक दैट. उसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग उसके चैप्टर में ही जानेंगे. फिर इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने उसके क्या डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दिए हैं, व्हाट डेफिनेशन वी एक्सेप्ट एज मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमी कैसे काम करती है, कौन कौन सी इकोनॉमी की कौन कौन से अलग अलग फीचर होते हैं, सो दैट विल बी नोइंग अंडर दिस फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन. सेकेंड चैप्टर, अब हम बेसिक मैनुअल का जो काम होता है वो खत्म हो गया, अब नाउ विल मूव टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. अब इकोनॉमी में हम इकोनॉमिक्स पर कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं ना, तो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है जो जहां से सब शुरू होता है, दैट इज डिमांड. ओके,
कोई भी चीज की अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हम फिर उसके काम के नहीं रहते. सो हाउ डिमांड वर्क्स, कोई डिमांड इनफैक्ट किसको बोलते हैं, कैसे कैसे फैक्टर्स होते हैं कि जो डिमांड को अफेक्ट करता है, डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड कम होती है तो क्या होता है, वो जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो हम उसके ऊपर ए वाले चैप्टर में जानेंगे. नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ओके, अब इक्विलिब्रियम का एक सिंपल आपको मैं बर्मीनिंग समझाऊं, तो इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट कि जहां पे दो चीजों का बैलेंस हम लोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी जो ये लाइन है, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये लाइन है वो ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, और मेरी जो दूसरी लाइन है तो वो ऐसे, वो भी डाउनवर्ड ही जा रही है, पर वो यहां से डाउनवर्ड जा रही है और उसका ये वाला स्लोप है, समझ आ रहा है. और यहाँ पे जो एक पॉइंट है ना जहां पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, राइट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम. तो अब वो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को कंसिडर करके फिर लिए जाते हैं, इसीलिए इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ कमिंग बैक टू द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, अब इसमें क्या होगा, हमने डिमांड का कॉन्सेप्ट तो समझा, मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें हम लोग डिमांड का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, हाउ द लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स एंड एवरीथिंग, राइट. अब उसकी कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, हाउ कंज्यूमर रिएक्ट्स टू द पर्टिकुलर सिचुएशन, तो हम यहाँ पे जो डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट है ना उसको कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का ट्राई करें, और जो कंज्यूमर का बिहेवियर है दैट विल बी फोकसिंग मोर अपॉन टू अंडरस्टैंड दिस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब कंज्यूमर वाला पॉइंट क्लियर हो गया. अब व्हाट कि हम एक बार बीइंग अ कंज्यूमर हमको पता है कि क्या क्या चीजें होती है, अब हम बड़े होंगे तो शायद हो सकता है कि हम प्रोड्यूसर का भी काम कर सकते हैं, तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चीजें वर्क होती है इन इकोनॉमिक्स, दैट विल बी नोइंग अंडर दिस चैप्टर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई. अब नाउ जैसे डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो सप्लाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई जो होता है ना वो पैरेलली काम करता है, मतलब अगर दोनों में से एक भी चीज ऐसी नहीं कि जो एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट करता है, राइट. सो सप्लाई इज बेसिकली व्हाट, कि जिस भी चीज की डिमांड है उसको मार्केट तक जब तक अवेलेबल नहीं करवा पाते तो हमारे लिए डिमांड का फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता. तो हाउ सप्लाई वर्क्स, राइट, तो सप्लाई कैसे काम करता है, उसके भी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है, सप्लाई कम होगा ज्यादा होगा वो सब डिसीजन को अफेक्ट करता है. उसके अलावा एक लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है, हाउ दैट वर्क्स दैट आल्सो वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. एंड नाउ जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा वैसे प्रोड्यूसर बिहेवियर आएगा, कि प्रोड्यूसर इन सर्टेन सिचुएशन वो कैसे रिएक्ट करता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, और उसके बिहेवियर के वजह से कौन कौन सी चीजों में डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस आता है, वो सब चीजें जो है दैट वी विल अंडरस्टैंड इन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई. यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो इन डिटेल हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे. एंड देन द लास्ट पार्ट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशन. अब यहां तक तो चलो ठीक है, कंज्यूमर समझ आया, प्रोड्यूसर समझ आया. अब बीइंग अ प्रोड्यूसर आप मार्केट में तो एंटर करोगे, राइट. अब मार्केट में भी बहुत सारे टाइप्स के मार्केट होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, ऑलिगोपॉली हो गया, मोनोपॉली हो गया, बहुत सारे होते हैं, राइट. तो इसमें भी यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हमको आइडिया दिया जाएगा कि कैसा होता है, सबके अलग अलग खुद के फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट. उसमें हम फोकस कहाँ कर रहे हैं, तो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. अब हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो हर एक डिफरेंट में प्राइस डिटर्मिनेशन, जो प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेल करना चाहते हैं, राइट, तो उसका एक प्राइस डिटर्मिनेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ मैं ये जो मार्कर है मैं यूज कर रही हूँ तो उसका प्राइस अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो उसका 30 रुपीज प्राइस है, तो वो 30 रुपीज प्राइस कैसे डिसाइड होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट depends on so many factors, that depends on demand, that depends on supply, that it depends on the costing, और costing वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पे producer behavior वाले chapter में समझेंगे कि किसी भी चीज का costing कैसे decide होता है, कौन कौन से factors costing में हम लोग consider करते हैं,
फिर कॉस्टिंग हो गया, उसके बाद कॉस्टिंग के बाद आता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है मार्केट में, कॉस्ट ऐसा कैसा हम लोग डिसाइड करें सो दैट वी कैन जनरेट द मैक्सिमम रेवेन्यू दैट वी वांट। ओके, तो उसके बाद जब मार्केट की बात आती है तो हर एक जो टाइप का मार्केट होता है उसकी अपनी एक प्राइस डिटर्मिनेशन की अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट और जहां पे हम लोग को ज्यादा फोकस करेंगे कि वहां पे प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे काम करता है, राइट। वहां पे अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कोई प्रोडक्ट है तो उसके मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे हम लोग उसका डिसाइड करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे विद सिंपल एप्लीकेशन यहाँ पे। और वो हम कैसे पढ़ेंगे तो उसके जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स है उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे हम लोग, सो दैट यू विल गेट सो मेनी आंसर्स टू योर क्वेश्चंस एंड योर क्यूरियोसिटी विल बी सैटिस्फाइड फॉर श्योर। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वी विल हैव अमेजिंग सेशंस अपकमिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।